हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। दोपहर को बज रहा है 1:30। ये देखें, इतना कपड़ा मैं रखी हूँ प्रेस करने के लिए। अभी एक दो कपड़ा हुआ है, प्रेशर से लगा पड़ा है, मुझको प्रेस करना है। लेकिन उसके पहले सरसों फटका गया है, मतलब मैं खुद से नहीं फटकती हूँ। गेहूँ वेहूँ तो फटक लेती हूँ, पर सरसों नहीं फटक पाती हूँ। जब सूप चलाती हूँ तो मेरे मुंह पे ही आ जाता है सब। तो सरसों फटक के रखे हैं, जाएगा तेल पेराने के लिए। और सारा काम पड़ा है, आज खाना भी कोई नहीं खाया, सारा खाना वैसे पड़ा है। देव स्कूल चला गया बिना खाए, आया तो फिर चला गया ट्यूशन बिना खाए, अभी तक बिना ही खाए ही है। भतीजा भी चला गया था छोटी वाली बहन के यहाँ, वहाँ से खा के आ गया। तो इस तरीके से सारा खाना, पापा भी नहीं खाए, दोपहर का खाना आते हैं तो खाते हैं, वो भी नहीं खाए, सारा खाना पड़ा ही है। बर्तन खाली करके भिगा दिए हैं साफ़ करने के लिए, सरसों बोरे भी रखे हैं, दिखाते हैं। वही सारी साफ सफाई करती हूँ। ये है सरसों, ये देखो ये सरसों है, दूर में डाल गए हैं। ये ऐसे इसमें कचरा था, इसको साफ किया है। ये बहुत ज़्यादा कचरा होता है इसमें, तो ये साफ हुआ है। खाना बहुत ज़्यादा ही बचा है, कोई खाया ही नहीं उसमें। देखे चावल, और इसमें वैसे दाल पड़ी है। सब्जी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी सब्जी भी बची है। ये सब साफ हो गया है, तो अब मुझे लगाना है झाड़ू। साफ से एक बार लगा दूँ, उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद बर्तन साफ़ करना, फिर बर्तन साफ़ करके तब मैं उस कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि कपड़ा प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये सब साड़ियाँ हैं ना, तो एकदम पहनते ही नहीं बनती हैं। जब अभी एक बार भी प्रेस नहीं हुआ, जब से गर्मी पड़ी है एक बार भी मैंने प्रेस नहीं किया है, तो बीच में ऐसे बंद जाती हैं जहाँ प्लेट पड़ती हैं। तो मुझे को प्रेस करना है, तो मिलती हूँ आप लोगों को कम से कम 1 घंटे बाद। फिर आके बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना, और दो चार काम है छोटा मोटा, वो करके आते हैं। फाइनली सारा काम हो गया है, बस कपड़ा नहीं प्रेस हो पाया क्योंकि लाइट भाग गई है, लाइट नहीं है, इसके वजह से कपड़ा नहीं प्रेस हो पाया। अब कपड़े तो कुछ देर बाद ही, मतलब रात में ही प्रेस करेंगे, जब लाइट आएगी तो प्रेस कर लेंगे। ये आज क्या है, ये देखो स्कूल की तरफ से राशन मिला है, चावल है, गेहूँ है, मिला है स्कूल से, यही सारी बातें। ये गेहूँ मैंने निकाला, पुराना गेहूँ रखा था धुलने के लिए, इसको हो सकता है कल धुलूँ। इस टाइम तो नहीं सुन रहा है, बारिश का आज वो है, तो बारिश ना आ जाए इसके लिए मैं कल धुल दूँगी। उसके बाद आप लोग को दिखाऊँगी धुलने के बाद मैं, मतलब एक बार धुल देती हूँ तो 2-2.5 महीने के लिए छुट्टी हो जाता है। रोज़ रोज़ नहीं धुलना होता कि हर 15 दिन महीना दिन में धुलें, ऐसा नहीं होता है। ये देखें, बाहर निकले, धूप बहुत तेज है, सामने ही धूप लग रही है बहुत तेज से। कुछ खास नहीं है, बाबू बड़ा वाला अपने बाबा को लेके गया है सब्जी लेने बाजार, हम ही लोग हैं घर पे। ये सरसों है, तेल नहीं पेरवाए, कहे हैं कि खरीद के आएगा तेल, तो वैसे ही है। बर्तन मेरा साफ हो गया है, ये देखें, ये बर्तन लगा नहीं है स्टैंड में, मैं बाद में लगाऊंगी, मैंने कहा पहले बात तो कर लूँ और पब्लिक कर दूँ वीडियो, नहीं तो टाइम से नहीं हो पाता है पब्लिक ना, तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कहा कि
पहले इसको कर लो। कुछ नींबू पानी पीना है, कुछ सही नहीं लग रहा है तबीयत, तो यही सारी बातें हैं। आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं दिखा पा रही हूँ, इसकी वजह से मुझको भी अफसोस होता है। कहीं निकल निकल पाते ही नहीं, घर का ही चूल्हा चौका दिखाते हैं। एक ही बार देखते देखते आप लोग बोर होते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे ज़रूर आप लोग, चाहे जो भी मैं बनाऊँ। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग देखें मेरे वीडियो को और शेयर भी करें, यही हेल्प आप लोगों की है। आप लोग का ये मदद मेरे लिए बहुत बड़ी मदद बनती है। प्लीज़ रख रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों को कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं अपना रखूं, और क्या बोलूं। ये देखें बाहर का है, ये बाहर जाती है गांव के बाहर ऐसे, और ये जाती है खेत साइड में, ये खेत की तरफ जाती है, ये सीधा खेत की तरफ निकल जाती है। और ये देखें इधर कितना अच्छा दिख रहा है ना। अच्छा, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।